वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज हम जो है क्वोशेंट रूल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसका मैंने फॉर्मूला और प्रॉब्लम जो है लिख ली है, ताकि हमारा टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट ना हो। जैसे इसमें फॉर्मूला यूज होगा डेरिवेटिव ऑफ m अपॉन n इक्वल टू n डेरिवेटिव ऑफ m माइनस m डेरिवेटिव ऑफ n अपॉन n का स्क्वायर। देखिए यही फॉर्मूला हम अपने इस प्रॉब्लम में यूज करेंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम चलिए मैं करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूला को यूज करूँगा। जैसे कि मैं सबसे पहले यहाँ पर n है तो नीचे वाली वैल्यू है, नीचे मतलब cos cx प्लस d डेरिवेटिव ऑफ m मतलब साइन ax प्लस b, ठीक, माइनस साइन ax प्लस b डेरिवेटिव ऑफ कॉस 3x प्लस डी अपॉन का कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक, ये हो गया। अब आगे करता हूँ, सबसे पहले कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस कॉस ए एक्स प्लस बी। अब डेरिवेटिव किसका डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स प्लस बी का, ठीक। यहाँ ऐसे लिख दिया हमने साइन एक्स प्लस बी, कॉस का होता है माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। अब हम किसका करेंगे, अब हम करेंगे सी एक्स प्लस डी का, ठीक, अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक, ये हो गया हमारा। उसके बाद अब हम इसे लिखते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ये डिफ्रेंशिएट हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ हमारा बचेगा ए, ठीक, और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी, और देखिए ये माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक। ये हमारा लिख लिया साइन सी एक्स प्लस डी। अब हम एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ करेंगे तो यहाँ हमारा सी बचेगा, डी जीरो हो जाएगा, अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखिए ये जो हमारा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, मैं उसको दो पार्ट में लिखूंगा, मतलब एक बार इसके पास नीचे एक बार इसके नीचे। तो ऐसे मैं लिखता हूँ कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी ए अपॉन, यहाँ हमारा बचेगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक, ऐसे यहाँ पर प्लस साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और ये सी ऐसे लिख दिया, और एक से देखिए इसके यहाँ लिख दिया मैंने दो पार्ट में कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी। देखिए यहाँ मैंने दो पार्ट में लिख दिया है इसको, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक कॉस इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर हो जाएगा मेरा ये, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचा कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक। और देखिए और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, वन अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स के बराबर में, ठीक, वन अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स के बराबर में, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा सेक सी एक्स प्लस डी, कौन सा हुआ, क्योंकि अभी ये स्क्वायर था तो एक बचा हुआ था, और यहाँ पर हो जाएगा सी साइन ए एक्स प्लस बी। और देखिए यहाँ पर जो है एक तो हो जाएगा मेरा सेक सी एक्स प्लस डी, और एक हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, क्या हो जाएगा मेरा टेन सी एक्स
प्लस डी। अब देखिए इस वजह से मैंने इसको अलग अलग करा था, क्योंकि साइन अपॉन कॉस टेन एक्स होता है, ठीक। तो अब इससे हमारा ये प्रॉब्लम जो है सोल्व हो गया। तो ये इस वीडियो में इतना ही था, आप इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल यूज स्टेप यूज करे थे मैंने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद हो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।